knowledge here that shows the children are very curious and very bright and very smart. It's nice to come here. Finally, I am able to motivate the students of Siliguri and they will make Siliguri proud one day. Anything in particular you want to ask? Yeah, there are questions. आपके आपने बहुत सारे लिख मतलब आपके राइटिंग्स में बहुत सारे स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स है स्मॉल टाउन के बीइंग सिलीगुड़ी बीइंग अ स्मॉल टाउन आपको क्या क्या महसूस हो रहा है दिस इज मे बी द सेकंड टाइम यू आर कमिंग हियर राइट हां इस बार थोड़ा प्रॉपर्ली आया हूं दो दिन के लिए और लास्ट टाइम आई जस्ट कम एंड गॉन मतलब सेम डे तो थोड़ा इट्स नाइस This is also very clean, very well organized. So, बहुत अच्छा लग रहा है This progress, Siliguri is becoming more and more. The airport is far more busy. बागडोगरा जब मैं पहले 10 साल में था, hardly एक का flight थी. अभी तो there are so many flights. Right. Right. Anything else? Sir, another question. आपने आपके two states में लिखा मतलब दोनों स्टेट्स का मिलाव के बारे में लिखा विच इज योर ओन लाइफ स्टोरी थोड़ा सा तड़का मार के तो माय क्वेश्चन इज दैट कि अभी जो अनरेस्ट अभी जो इंडिया में जो पॉलिटिकल इवन नॉट ओनली इन इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड जो पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल जो सिचुएशंस है जहाँ पे लोग मतलब एक दूसरे को लड़ने में मतलब एक दूसरे का बिलीव्स के ऊपर लड़ने में ज़्यादा बिजी है रैदर देन बींग लाइक लव एंड कंपैशन सो व्हाट ये आप क्या बोलना चाहते हो टू द यंग जनरेशन हु सोशल मीडिया की दुनिया है आजकल और उसका यही नतीजा है कि लोग पोलराइज होते जा रहे हैं और जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा अजीब बात करता है और सबसे एक्सट्रीम लेवल की बात करता है उसी को ही लोग डिस्कस करते हैं अभी सब काली काली का वो पोस्टर डिस्कस कर रहे हैं चाहे उससे किसी ने 15 गुना बेटर पिक्चर बनाई हो कोई और पिक्चर बनाई हो पर क्योंकि उसने कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्टर भी बनाया उसकी डिस्कशन नहीं होगी तो एक तरह से हम इनकरेज ही कर रहे हैं लोगों को अजीब अजीब चीज़ें करने की चलो इसका ये इसको ऑफेंड करो इसको तंग करो ये करो सो आई डोंट थिंक इट्स गुड आई थिंक वी शुड फोकस ऑन पॉजिटिविटी सम पीपल शुड यूनाइट ऑल्सो सो मेनी पीपल आर डिवाइडिंग सम पीपल शुड यूनाइट ऑल्सो और ऐसे हमारा देश है नहीं जहाँ पे हम एक दूसरे की कल्चर को रिस्पेक्ट ना करें किसी के धर्म को एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना करें मेरे को नहीं लगता इंडियंस ऐसे हैं अगर ऐसे होते तो हम आज़ादी के बाद 75 ईयर्स ऐसे ना रह रहे चल रहा है देश चल रहा है कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं प्रॉब्लम ये कि वो लोग सोशल मीडिया को डोमिनेट करते हैं मतलब जो मॉडरेट लोग हैं उनकी को उनकी कोई खास मजा नहीं आ रहा लोगों को सबको तड़का चाहिए तो पॉलिटिक्स में भी तड़के की डिमांड होना इज नॉट करेक्ट सर अब तो IITians हैं वो ये छोड़ के ये आप ये प्रोफेशन में किया कैसे है क्योंकि आई थिंक अपने अंदर की एक कॉलिंग रहती है और जो जहाँ पे मुझे लगा रिस्पॉन्स आया उनको लगा कोई मुझे रेयर ही है जिसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है क्यों ना इसको मैं देखूँ कहाँ और आज अगर मैं और बच्चों को सक्सेसफुल होने में मोटिवेट कर सकता हूँ तो एक कंपनी में बैठ के CEO बन भी गए तो क्या करेंगे मतलब आई थिंक दिस इज बेटर सर आप जो मॉडल लेते हैं इतने सारे मॉडल अपने सर कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सी भी पूरी दूसरी बार शायद आए आज भी बहुत सारे बच्चों से मिले बहुत सारे सवाल बताए उनको सवाल सीखे मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिया का यूथ है काफ़ी सिमिलर भी होता जा रहा है 10 साल पहले मैं यहाँ आया था तब कोई स्मार्टफोन नहीं थे अब इन सबके पास स्मार्टफोन से आप देखेंगे स्क्रीन पे सब निकाल निकाल के सेल्फियाँ ले रहे हैं तो उनके पास पूरी दुनिया का पिटारा उस फोन में है उनको सब पता है दिल्ली में क्या हो रहा है बॉम्बे में क्या हो रहा है लोग कैसे बात करते हैं उनको सब पता है पहले नहीं था 10-12 साल पहले ये नहीं थी चीज़ वेरी रैपिड डेवलपमेंट especially for new generation. So they are like asking questions. ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई सिलीगुड़ी या कोई छोटा जगह ऐसा नहीं है बॉम्बे में भी सेमी क्वेश्चन पूछते हैं और दिल्ली में भी सेमी सो नाउ देयर इज अ सर्टेन लेवल हो रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड बन रहा है एंड आई थिंक आज सिलीगुड़ी के बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं सर आई थिंक इंडिया की और इंडस्ट्री की बहुत बड़ी इम्पैक्ट है और हमारे यंग जनरेशन और स्टूडेंट का आइडल पर्सन आज अपने आए हैं तो हर स्टूडेंट अपने दसवां या ग्यारहवां सब अपने आप को देख के आइडल पर्सन बन जाए इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए मेहनत तो करनी पड़ती है ठीक है किस्मत है सब है बहुत लेकिन मेहनत करनी पड़ती है सर माइक थोड़ा सा माइक आप यूज करना बहुत लोग टफ कर रहा है संघर्ष करना है जैसे कि आज मैंने बोला थोड़ा ऑन करना पड़ेगा जैसे कि आज मैंने बोला कि संघर्ष करना है
और डिस्ट्रैक्शन से दूर रह जाए और लक्ष्य बनाना है, यू नो, लंबी मेहनत से और दुख से और कष्ट से डरना नहीं, ये सब उल्टा एडवाइस है ना, क्योंकि आजकल दुनिया में तो सब यही कह रहे हैं फोन देखो, जंक फूड खाओ और बस सो जाओ। तो अगर मैं इनको बता रहा हूँ कि व्हाट इट विल टेक, आपको बनना है आप भी बन सकते हो, कुछ तो बन ही जाओगे, लेकिन उसके लिए बिना मेहनत के कोई नहीं बनता है। दुनिया बहुत फास्ट बदल रही है, तो मेहनत के साथ साथ समझना भी जरूरी है दुनिया में क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो तो दुनिया को चाहिए, तो यूजलेस है। तो ओके सर, ओके सर, लास्ट अभी हम यूट्यूब चैनल पे मेरा बहुत ध्यान है, बहुत हमारे रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत सही हुई लोग मेरा चैनल देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देखते हैं। So I'm trying to build that channel this year, next year then I'll write, I haven't decided about that. Second time I've seen you there, it's a beautiful place, it's really beautiful. And Instagram photos about it are very similar. I hope it helps the Hinduism. Yeah. Thank you for coming out. সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।